नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। 11 महीने पहले बलसाड़ के डॉक्टर का अपहरण करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पहाड़ी के परिया गांव में कार की चपेट में आए 6 साल के बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। दादानगर हवेली में सही यात्रा अंतर्गत आयोजित हरित दिवस कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा पौधों का किया गया रोपण। अब समाचार विस्तार से। आज से 11 महीने पहले बलसाड़ के अटार गांव से एक कार में डॉक्टर का अपहरण किया गया था। बाद में 1 करोड़ की फिरौती की मांग के बाद बलसाड़ के चिचई गांव में नग्न अवस्था में डॉक्टर को छोड़कर आरोपी भाग गए थे। उस केस में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। जिला LCB ने 4 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। वलसाड़ तहसील के अटार गांव से आज से 11 महीने पहले 4 जितने लोगों ने एक डॉक्टर जो अपना क्लिनिक बंद कर अपने घर वापस जा रहे थे, उस दौरान डॉक्टर को रोककर 4 जितने लोगों ने उनकी फ्रंटी कार में बिठाकर हेलमेट पहनाकर उनका अपहरण किया था। बाद में डॉक्टर के फोन से ही फोन लगाकर उनकी पत्नी के पास 1 करोड़ की फिरौती की मांग की थी, जो कि बाद में घटना की जानकारी पुलिस को मिलते पुलिस ने कार्यवाही करते ही सख्त नाकाबंदी कर अपहरणकर्ताओं को ढूंढने के चक्र गतिमान किए थे। दौरान दूसरे दिन अपहरणकर्ताओं ने डॉक्टर को बलसाड़ तहसील के चिचाई गांव में नग्न हालात में छोड़कर भाग गए थे। इस केस में वलसाड़ जिला LCB की टीम ने अपने प्रयत्नों से 4 जितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वलसाड़ रूरल पुलिस स्टेशन नी हदमा अटार गामनी बाजूमांथी पसार थता रोड परथी डॉक्टर जनक वैरागी नामना डॉक्टर नु आज थी 11 महीना पहला एटले के 23 सप्टेम्बर 2020 में अजाण्या ईसमो द्वारा मारुति फ्रंटी गाड़ी में किडनेपिंग करवामां आवेलू हतुं अने त्यारबाद तेमना घरे थी 1 करोड़ रुपयानी डिमांड करवामां आवेली अने पुलिसनी नाकाबंदी अने तमाम समाचारपत्रों अने टीवी में ए न्यूज आवी जता आरोपीओ गभराई गयेल अने डॉक्टर ने 15 कलाक पछी जंगल में निर्वस्त्र हालत में छोड़ी देवामां आवेल, जे गुनो दाखल थयेलो हतो। आ गुना बाबते वलसाड़ जिला पुलिसना लोकल क्राइम ब्रांचना PI गोस्वामी और PSI पनारावनाए 11 महीना सुधी खंतपूर्वक पोतानी मेहनत चालू राखेली, तमाम टेक्निकल बाबतों पर एनालिसिस करवामां आवेलू, जे एनालिसिसना अंते 11 महीना बाद सफलता मळवा पामेल छे। आ गुनामां कुल 4 आरोपीओ इन्वोल्व थयेला हता, जेमां दीपेश पटेल जे चीचवाड़ानो छे मुख्य आरोपी छे, रोहन पटेल वाड़ीफड़ियानो छे, भीमो उर्फे कल्पेश पटेल छे ते पण वाड़ीफड़ियानो छे, सोनू पटेल उर्फे ललित ए राबड़ा गामनो छे। आ 4 मित्रोए साथे मळी डॉक्टरना अपहरणनी योजना बनावेली। आ योजना बनावा माटेनुं जे ज्ञान छे ए ज्ञान साउथनी फिल्मो अने क्राइम पेट्रोल जेवी सीरियलो जोई अने आखू प्लानिंग करवामां आवेलुं हतुं। डॉक्टर ज्यारे पोतानुं काम विजिटमां जई रह्या हता, ए विजिट दरमियान ડોક્ટરનાઓને રસ્તામાં આંતરી લેવામાં આવેલા, આ આંતરી લેવા માટે થઈ અગાઉ એ લોકોએ 2-3 વખત મોટરસાઇકલ ઉપર રેકી કરેલી હતી, ડૉક્ટરને બળપૂર્વક પોતાની ફ્રન્ટી ગાડીમાં બેસાડી દીધેલા અને એમની આંખો પર અને હાથમાં સેલોટેપ લગાડી દેવામાં આવેલી, ત્યારબાદ ડૉક્ટરને ત્યાંથી લઈ જઈ અને નાના પોંડા સાઈડ લઈ ગયા હતા અને ત્યાંથી ડૉક્ટરના પત્નીને કોલ કરેલો હતો। પછી રાત્રિ રોકાણ માટે સુખેશ ગામમાં એક ખાલી મકાન હતું, જે આરોપી રોહનના મામાના ઘરની બાજુમાં હતું, એ મકાન એમણે રેકી કરીને રાખેલું, ત્યાં ડૉક્ટરને રાત્રિના સમયે રાખવામાં આવેલા। દીપેશ એને મૂકી અને પડી પાછું પોતાના ઘરે આવ્યો, પોતાની ફ્રન્ટી પાછી મૂકી ગયો, ડૉક્ટરના જમવા માટે બિસ્કિટ અને અન્ય સાથીઓના જમવા માટે રાત્રિનું ભોજન પોતાના ઘરેથી લઈ અને ફરીથી પાછો ત્યાં ગયો। ચોથો આરોપી જે લલિત છે એણે બીજે દિવસે દરેકને સમાચાર આપ્યા કે ભાઈ આ રીતે નાકાબંધી છે અને આ રીતે તમામ મીડિયામાં પણ આ સમાચાર પ્રદર્શિત થઈ ગયા છે, માટે એ લોકો ડરી ગયેલા અને ત્યારબાદ જંગલ વિસ્તારમાં ઇકો ગાડીમાં ડૉક્ટરને નિર્વસ્ત્ર હાલતમાં છોડી દેવામાં આવેલ। આમ આ ગુનાનો ભેદ ઉકેલાઈ જવા પામ્યો છે। સદર હું 4 આરોપીઓ, કિડનેપિંગમાં વપરાયેલી ઇકો ગાડી અને મારુતિ ફ્રન્ટી ગાડી, ડૉક્ટરના ખીચામાંથી કાઢી લીધેલા 700 રૂપિયા અને એમના મોબાઈલ ફોન જે આંચકી લેવામાં આવે, તમામ બાબતો રિકવર કરવામાં આવેલી છે। ડૉક્ટર સાહેબને ત્યાં દીપેશ જ્યારે પેશન્ટ તરીકે ગયેલા નોટબંધીના અરસામાં, એ દરમિયાન ડૉક્ટર કોઈ સાથે ફોન પર મજાક કરી અને ખૂબ મોટા પૈસા હોવાની વાત કરી રહ્યા હતા,
जे मजाकनी वात ने आरोपी दीपेश नाहोए सीरियस लई लीधेलू अने एमने लागेलू के एमनी पासे पुष्कळ पैसा छे, जो किडनेप करवामां आवे तो आ पैसा मळी शके माटे आ योजनानो विचार एने ए दिवसथी आवी गयेलो जे दिवसे ए क्लिनिक पर गयेला हता। सर एना माटे ए प्लान बनाववा माटे साउथना मूवी ने अने क्राइम पेट्रोल जेवा पण सीरियलो જોઈને આખું વધારે પ્લાનિંગ કરેલું। આરોપીઓ તમામ એકબીજાને કોઈ પણ ઓનલાઈન મૂવી ડાઉનલોડ કરી અને એમાં કિડનેપિંગ બાબતનું કાંઈ પણ અગત્યનું લાગે તો એકબીજાને વોટ્સઅપથી લિંક શેર કરતા હતા અને ત્યારબાદ ચારે ચાર આરોપીઓ સાથે મળી અને રોહનના ઘરે ટીવી પર એ ફિલ્મો જોતા હતા। આમ એમણે પુષ્કળ ફિલ્મો અને ક્રાઇમ પેટ્રોલ જોઈ અને આખી આ યોજનાનો પ્લાન ઘડેલો હતો। અપહરણ કેસમાં પકડે ગયે સભી ચાર આરોપીઓ વલસાડ તહેસીલ કે રહેને વાલે હૈ। યે ચારો દોસ્તોને સાથ મેં મિલકર ડોક્ટર કે અપહરણ કા પ્લાન બનાયા થા। ચારો દોસ્તોને ફિલ્મો ઓર ટીવી સિરિયલ્સ કો દેખ કર અપહરણ કર કિસ તરીકે સે અપહરણ કિયા જાય ઉસકા પ્લાન બનાયા થા। प्लान में डॉक्टर क्लिनिक से कितने बजे घर पर जाते हैं, मरीजों को कब देखने के लिए जाते हैं, उस संदर्भ में उन्होंने 3 से 4 बार रेकी की थी। डॉक्टर लॉकडाउन में अपनी क्लिनिक पर किसी के साथ मजाक मस्ती में बातें कर रहे थे कि अलमारी भरकर मेरे पास तो पैसे हैं। ये बात एक आरोपी झूठ मूठ की दवाइयाँ लेने भी गया हो सुन लिया था और ये बात दोस्तों को बताई थी कि इस डॉक्टर के पास तो करोड़ों रुपये हैं, जिसके बाद उन्होंने प्लान बनाकर डॉक्टर के अपहरण को अंजाम दिया था। मारू नाम डॉक्टर जनक वैरागी है। आज से 11 महीना पहला हूँ क्लिनिक थी मारा घर आ रो तो तरह मेरी आग आई एक सफेद कलर की फ्रंटी उभी रही थी। एमने हाथ करो एट मैंने एम थे कि पेशंटो है एट दवा आप उभी रो त्यार पछी ए लोग तरत मैंने गाड़ी में बेसाड़ी दीदो। आँखें पाटा बांधी दीदा, मोड़ू बांधी दीधु, हेलमेट पहरा दीदूँ थूँ, हाथ पग बांधी दीदा था। पछी ए लोग आग लई गया था। वच्चे एमणे खंडणी बात करी थी, 1 करोड़ रुपया माटे बात करी थी। पछी एमणे घरे फोन कर्यो हतो, 1 करोड़ छे के 50 लाख छे एवुं कंई एमणे कंई चर्चा करी हशे कि आटला पैसा जोईशे। घरेथी पछी पोलीस मारे फोन कर्यो हतो घरथी मिसेस ए लोके। બીજે દિવસે લગભગ 12-12:30ના ગાડામાં ચીચાઈ ગામે છોડીને જતા રહ્યા હતા। કઈ રીતે છોડેલા? કપડાં પણ ફાડી નાખ્યા? હા, કપડાં ખાલી અંડરવેર જ હતી મારી, બીજો કોઈ કપડાં હતા નહીં। છોડીને ધક્કો મારીને જતા રહ્યા હતા। પોલીસનો આભાર વ્યક્ત કરવાની ઈચ્છા કરી? ખૂબ ખૂબ પોલીસ, બધા વલસાડ પોલીસનો ખૂબ આભાર માનું છું, સાહેબનો ખૂબ આભાર માનું છું। એમની મહેનત રંગ લાવી, અમે ટેન્શન ફ્રી થયા, 11 મહિનામાં મળી ગયો, એ ખૂબ આભાર એમનો, ખૂબ આભાર। એ લોકો કહે છે પેશન્ટ બનીને, કારણ કે આખા દિવસમાં પેશન્ટો ઘણા હતો એટલે આપણે ખ્યાલ નથી રહેતો કે આ પેશન્ટ હશે કે નહીં હશે, પણ જો હું તો ખ્યાલ આવે કે પર્ટિક્યુલરલી હશે કે આવ્યા હશે એમ। પકડે ગયે આરોપીઓ એક દૂસરે કો પહેચાનતે થે ઓર એક દૂસરે કે દોસ્ત ભી થે। ये चारों आरोपियों में दीपेश पटेल मुख्य आरोपी है, जबकि रोहन पटेल, कल्पेश पटेल और सोनू पटेल ये चारों दोस्तों ने डॉक्टर का अपहरण किया था। दीपेश ने बताया कि वो रेगुलर डॉक्टर के पास जाता था और डॉक्टर के पास ढेर सारे पैसे होने की मजाक मस्ती वाली बात सुन लेते अपहरण किया था। आरोपियों ने जो योजना बनाई थी, इस योजना के 11 महीनों के बाद पुलिस ने इस केस का पर्दाफाश कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की है। पाड़ी तहसील के परिया गांव में एक कार ने 6 साल के बच्चे को चपेट में लेते बच्चे की हुई दर्दनाक मौत, कार चालक के सामने हुआ गुना दर्ज। पाड़ी तहसील के परिया लांगिया फलिया में रहते महेंद्र भाई पटेल का 6 साल का बच्चा ध्रुविश महेंद्र भाई पटेल परिया हरिनगर में आई स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ता है। आज रोज स्कूल से छुट्टी मिलने के बाद अपने अन्य दोस्तों के साथ पैदल चलकर घर की ओर आ रहे थे। उस दौरान वरना कार नंबर GJ15CL06668 के चालक ने तेज गति से कार को चलाकर ध्रुविश को चपेट में लेते ध्रुविश को सिर के बल गंभीर चोटें आई थी। घटना बनते ही आसपास के लोग आ पहुंचे थे और उसी कार में तुरंत पाड़ी अस्पताल में बच्चे को ले जाया गया था, पर फर्ज पर के तैनात डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित किया था। अचानक 6 साल के बच्चे की मौत होते पाड़ी पुलिस थाने में बवाल का माहौल खड़ा होते कार चालक के खिलाफ गुनाह दर्ज करने की मांग उठी थी। उस दौरान परिया के सरपंच दिशांत पटेल ने सभी गाँव के लोगों को और ध्रुविश के परिवार को समझाकर मामले को शांत किया था।
और पार्टी पुलिस ने भी कार चालक के सामने गुना दर्ज कर गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि ये कार में ग्राम सेवक ऐसे अरनाला भुला फलिया में रहते शशिकांत शंकर भाई पटेल और पार्डी गांव के सरपंच शवार थे। दोनों पार्डी तहसील पंचायत पर आ रहे थे, पर अभी तो ग्राम सेवक शशिकांत को जेल की हवा खाने की बारी आई है। दूसरी ओर इतने छोटे बच्चे को अकेले स्कूल में नहीं बेचकर माता पिता को साथ में स्कूल में छोड़ने और लेने के लिए जाना चाहिए। सवेरे हूँ राबेता मुजब मारा काम सर मारा पार्टी काम तो मामलतदार श्री कचेरी में એટલા માટે હું સવારે ઘરેથી વહેલો નીકળેલો હતો. મને ફોન આવ્યો કે મારા પરિયા ગ્રામ પંચાયત વિસ્તારમાં આવેલ હરિનગર ફળિયું ત્યાં આગળ લાંગિયા ફળિયા જતો એક રસ્તો છે અને એ રસ્તા ઉપર અંદર નાની અમારી પ્રાથમિક શાળા આવેલી છે. તો છોકરાઓ ઘરે સ્કૂલે ગયેલા હતા એવું મને જાણવા મળેલું હતું કે ત્યાંથી સ્કૂલેથી આવતા એ છોકરાઓ કંઈ 4-5 છોકરાઓ હતા અને અચાનકથી કોઈ કાર આવી અને કારથી ઠોકાઈને બસ માટે આ છોકરું કંઈ ત્યાં પડીને એક્સપાયર થઈ ગયું એવું મને જાણવા મળેલું. એટલે હું બારોબાર સીધો અહીંયા પોલીસ સ્ટેશન પર જ આવેલો. મને આજે મને ભગવાને બે બાળકો આપેલા છે. કોઈ પણ જાતનું હોય જે કોઈનું બી છોકરાઓને એવું નહીં થાય એટલી મારી મનની લાગણી છે. આ તો અમે હું દુકાન પર ગયો, કાંઈ દુકાન છે જો હું ઠંડુ લેવા ગયો, એટલામાં ગાડી આવી ને છોકરા પેલા આવતા હતા. હવે અવાજ આવ્યો એટલે મેં પછાડી જોયું તો પેલા ભાઈ કે છોકરો ઠોકાયું છે, એટલે તરત જ અમે જોયું તો છોકરું ઠોકાયું એટલે તરત જ દડ્યા. તો છોકરું એકદમ ગંભીર પરિસ્થિતિ, એટલે પછી શું કહ્યું કે પેલા ભાઈ ગાડીવાળાને મેં ઊભી રાખ્યો અને ગાડીવાળાને કીધું કે ભાઈ આપણે 108 બોલાવવા કરતાં તાત્કાલિક આપણે સારવાર કરીએ, તરત જ એ પોલીસને લઈ જાય તો તાત્કાલિકની સારવાર મળતા સારું થઈ જાય છોકરું એમ કરીને અમે 108 ફોન નહીં કર્યો અને તરત જ આ ભાઈને ઊભી રાખીને ગાડી લઈને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યો હતો. એ કેવી રીતે અકસ્માત થયેલો કંઈ ખબર છે? એ તો હવે છોકરા આવતા તો હું થયું, આપણે તો દુકાનમાં ધ્યાન હતું, દુકાનમાંથી મેં જોયું ગાડી પર ઠોકાયો અવાજ આવ્યો એટલે અમે તરત જ જોયું. આપનું નામ શું છે? વિનોદભાઈ ઉત્તમભાઈ પટેલ. આ તો ગાડીવાળાનું સરપંચ છે કે આપણે તો ઓળખીએ નહીં મળે, પણ આ ભાઈ પછી આ જ ગાડીમાં અમે મોકલાવી ગયા. पेड़ धरा का आभूषण है जो प्रदूषण को हटाता है, तो संघ प्रदेश प्रशासन दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव में सहयात्रा कार्यक्रम अंतर्गत विविध कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा हो। स्वच्छता दिवस के बाद 25 अगस्त को मनाया गया हरित दिवस, अंदाजित 2,00,000 पौधों का किया गया रोपण। केंद्र शासित प्रदेश के दादरा नगर हवेली में आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत सहयात्रा कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान के बाद 25 अगस्त को हरित दिवस मनाया गया। दादरा नगर हवेली में 20 जिला पंचायत, एक नगर पालिका क्षेत्र और वन विभाग की जमीनों में 2,00,000 पौधों का रोपण किया गया था। मुख्य कार्यक्रम दपाड़ा स्कूल में आयोजित हुआ था। कार्यक्रम में प्रशासक के सलाहकार उपस्थित रहे थे। वन विभाग द्वारा कार्यक्रम में 2,00,000 पैकी 42,000 फल देने वाले पौधों का रोपण करने के लिए हरेक पंचायतों में किसानों को पौधे दिए गए थे। तो नरोली पंचायत में रिक्शा सचिव पूजा जैन IAS उपस्थित रहे थे और लोगों को ग्रीन पेड़ों की किट दी गई थी। और सही मायनों में एक ही दिन 1,50,000 पौधों को लगाकर हरित दिवस को मनाया गया। वन वृद्ध और पर्यावरण की जागरूकता ही नहीं बल्कि आदिवासी परिवारों की जीवन कक्षा भी उच्च बने, इस आशय से 42,500 फल देने वाले और 2,500 घरों में ग्रीन किट का वितरण किया जाएगा। हरेक परिवार एक पेड़ को बड़ा करे उसके लिए संवर्धन हेतु पालिका और ग्राम पंचायत की कचेरी को पौधों को देने की व्यवस्था की गई है। प्रशासन लगातार तीनों प्रदेशों को सही मायने में हरियाली बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के फलरूप बुधवार को एक ही दिन हरित दिवस मनाकर 1,50,000 पौधों का रोपण कर उनके संवर्धन के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। ये किट देने का मतलब है कि उसको लगाना ही है, उसका ख्याल रखना है और यूज करना है। तो जो भी उससे आपको सामान मिलेगा उसको खाने में भी कुछ भी उपयोग करना है, ऐसा करें। ये
आज हमको ड्यूटी नरोली पंचायत में मिली है। ये हमने रोड साइड पे मेन लॉन्च फंक्शन किया है, अदरवाइज पूरे नरोली में 600 पेड़ लग रहे हैं। पेड़ बहुत ही उपयोगी अनेक अनेक प्रकार के हैं, अमरूद है, बनाना है, कड़ी पत्ता है, तो सभी जो उपयोगी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और सभी लाभार्थियों को भी ग्रीन किट दी गई है जिससे कि वो इसका खूब लाभ उठा सकें। हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं, उसकी उपलब्धि में हरित क्रांति के लिए ये आज कार्यक्रम हो रहा है। 24 तारीख को स्वच्छता अभियान था, भारत स्वच्छ अभियान था। आज हम ये पौधे लगा रहे हैं ग्रीनरी के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा यहाँ पे इंडस्ट्री है और पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो पौधे लगाने की स्वच्छ हवा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम आज अभी 4 दिन का कार्यक्रम रखा है, और उसमें स्वच्छता अभियान है और प्रशासन के मार्गदर्शन में ये सब हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, और बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। सब लोग इसमें सहयोग भी दे रहे हैं, तो हम प्रशासन का धन्यवाद करेंगे कि हर साल ऐसा कार्यक्रम होता रहे ताकि स्वच्छता भी रहे और हरित क्रांति भी रहे, ये हम आशा रखते हैं। हमने देखा है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, आज वो कमी पूरी हो रही है। पूरे दादानगर में 160,000 पौधे लगा के, और बहुत धन्यवाद, मैं इस स्थान से धन्यवाद मानती हूँ अपने प्रशासक महोदय का, जिन्होंने एक कार्य में हम सबको जोड़ा। उनके लिए उनका नरोली पंचायत की ओर से और आदित्य एनजीओ से धन्यवाद करती हूँ। आज मेरी महिला भी, सभी महिला इधर से तुलसी पौधा, कड़ी पत्ता, सब पौधे लेके जा रहे हैं वो लोग, और बहुत खुशी की बात है। सही में पाए तो भारत में एक नया उदय हो रहा है। उसी तरह हमारे दादरा नगर हवेली में पिछले 4-5 साल में बहुत अच्छा विकास हुआ है। आज का ये आपने जो बताया कि सह यात्रा कार्यक्रम जो है प्रशासन का, इसमें काफ़ी अच्छा कार्यक्रम तो हो ही रहा है, और आपने देखा भी है कि पूरा दादरा नगर हवेली के अंदर इतने अच्छी सुंदरता आई है। तो यहाँ हर कोई बाहर से आने वाले लोग जो हैं, प्रवासी हैं, वो तारीफ करते हैं। यहाँ पे विकास इस तरह से गति आज पिछले 3-4 साल में बढ़ी है, तो उसमें दादरा नगर हवेली की जनता काफ़ी खुश है, और हमें लगता है कि प्रशासन जो कार्य कर रहा है उसका पूरा सहयोग आम जनता को मिलकर देना चाहिए, जिसे हमारे प्रदेश की जो स्थिति है उसका विकास का कार्य है उसको और अच्छी तरह से हम उसको डेवलप कर सकें। और हम चाहें कि हमारा प्रदेश जो दादरा नगर हवेली और दमन दीव है वो भारत के नक्शे में कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन आज विश्व में हमारे प्रदेश को पहचानना शुरू कर दिया है। क्योंकि आपको हम बताएं कि हमारे दमन दीव दादरा नगर हवेली में इंडस्ट्री एरिया, होटल मैनेजमेंट, ये भी काफ़ी फली फूली है, और यहाँ पे और भी विकास तो हो रहा है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज भी आई है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जा रहे हैं, और स्वच्छता के बारे में तो आप देख ही रहे हैं कि भारत में करीबन 100 सिटी ला रहे हैं जो स्मार्ट सिटी बना, उसके अंदर हमारा दादरा नगर हवेली, दमन और दीव तीनों सिटी को स्मार्ट सिटी में लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये विकास किस दिशा में जा रहा है, और जितना जनता प्रशासन से मिल करके उसके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे, या हमारी कमी जो कुछ है और प्रशासन से कुछ नया कराना चाहते हैं, तो मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। एक प्रदेश के पिता के तौर पे उन्होंने जो दिशा दी है तो वो एक काबिले तारीफ है। उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है प्रदेश को, जैसे कि प्रशासन के अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को और जनता के बीच में जो सुविधा जिस तरह दे रहे हैं, तो वो तो माना जाना ही चाहिए कि यहाँ पे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है विकास के लिए। बलसार रेलवे ओवर ब्रिज पर 3 वाहनों के बीच टक्कर होते हुई थी दुर्घटना। दुर्घटना में घायल सभी को इलाज के लिए तुरंत भेजा गया था अस्पताल। बलसार रेलवे ओवर ब्रिज के पास छोटा हाथी टेम्पो, रिक्शा और बाइक के बीच दुर्घटना हुई थी। ट्रिपल इस दुर्घटना में टेम्पो चालक ओवरटेक करने की कोशिश करते टेम्पो के रिक्शा के साथ टक्कर हुई थी। बाद में टेम्पो के पीछे एक बाइक टकराई थी। घटना में टेम्पो चालक, रिक्शा चालक, बाइक चालक और रिक्शा में सवार 2 लोगों को चोटें आई थी, जबकि 5 लोग घायल होते उन्हें बलसार की सिविल अस्पताल में भेजा गया था। घटना के चलते रेलवे ब्रिज पर
ट्रैफिक जाम की परिस्थिति खड़ी होते ट्रैफिक पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची थी और ट्रैफिक को हटाकर मार्ग को खुला किया गया था। पाड़ी तहसील के पातलिया चेक पोस्ट से दमन की ओर आने वाले रास्ते पर संबंधित विभाग द्वारा खड्डों को भरकर मरम्मत करने की कामगिरी की शुरुआत की गई। पाड़ी तहसील के पातलिया चेक पोस्ट से दमन की ओर आने वाले रास्ते की हालत अब तीसरी बार खस्ता होते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते पर बड़े बड़े खड्डों के चलते वाहन चालकों के वाहनों को काफी नुकसान पहुंच रहा था। खासकर रात के वक्त कई बार बाइकों और साइकिल सवारों के साथ पैदल चलते राहदारियों को भी गिर जाने के मामले सामने आए थे। ऐसे में इस परेशानियों से त्रस्त होकर वाहन चालकों ने संबंधित विभाग को अवगत कराते समय समय पर खड्डे को भरे गए थे, पर सिर्फ पुताई का काम किया गया हो वापस जैसे थे की परिस्थिति में रास्ता बन जाते वही समस्या का सामना वाहन चालकों को करना पड़ रहा था। तो फिर से एक बार वही पुताई का काम कर खड्डों को भर मरम्मत की कामगिरी शुरू की गई है। तो अब ऐसी पुताई से अच्छे भले एक बार में ही सही मटेरियल डालकर रास्ते का काम किया जाए तो वापस ऐसी परिस्थिति न हो, ऐसी वाहन चालकों में आवाज उठ रही है। अभी तो मार्ग पर मरम्मत की कामगिरी चल रही है। पिछले लंबे समय से दमन रिंगनवाड़ा से लेकर कचिगांव की ओर जाने वाला मार्ग खस्ता होते वाहन चालक पुकार रहे थे त्राही मांग, पर वाहन चालकों की रजूआत के बाद आज संबंधित विभाग द्वारा रास्ते पर मरम्मत की कामगिरी कर पड़े हुए बड़े बड़े खड्डों को भरा गया। पिछले कई समय से संघ प्रदेश दमन के रिंगनवाड़ा से लेकर कचिगांव की ओर जा रहे रास्ते की हालत बद से बदतर होते वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही वाहनों को भी काफी नुकसानियां भुगतनी पड़ी थी। तो रास्ते पर पैदल चलकर जाने वाले राहदारियों को बारिश की मौसम हो खड्डों में पानी भर जाने से चलना भी मुश्किल बना था। समस्या से त्रस्त होकर वाहन चालकों द्वारा संबंधित विभाग को रजूआत करते आखिरकार संबंधित विभाग द्वारा आज रोज खड्डों को भरकर मरम्मत की कामगिरी की गई थी, जिसके चलते वाहन चालकों ने राहत की सांस ली थी। बलसाड़ जिले में गणेश उत्सव में डीजे को मंजूरी देने के लिए बलसाड़ के विधायक ने जिला कलेक्टर को पत्र के जरिए की मांग। कोविड 19 की महामारी को देखते हुए सरकार ने पिछले पौने दो साल से धार्मिक उत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए रोक लगाई हो लोगों की धीरज अब धीरे धीरे कम हो रही है। बलसाड़ जिले में आने वाले दिनों में गणेश उत्सव और गणेश विसर्जन यात्रा की परमिशन मुद्दों पर मोर्चा निकालने के बाद अब बलसाड़ विधायक ने गणेश उत्सव में डीजे माइक की मंजूरी देने के लिए कलेक्टर को रजूआत की है। पहले ही जिले के डीजे संचालकों, गणेश मंडलों, गणेश मूर्तिकारों ने बलसाड़ कलेक्टर के समक्ष परमिशन हेतु रजूआत की थी, पर उस दिशा में कोई भी प्रतिसाद नहीं मिला है। इसी स्थिति के बीच बलसाड़ के विधायक भरत भाई पटेल ने जिला कलेक्टर शिप्रा अंगे को आने वाले गणेश उत्सव के लिए डीजे माइक की मंजूरी के लिए पत्र लिखते डीजे संचालकों में खुशी देखने को मिल रही है, पर विधायक द्वारा मंजूरी मांगने पर ये चर्चा का विषय बना है। पाड़ी से गुम हुई 14 साल की नाबालिग 3 महीने के बाद मिली चंडीगढ़ से। पाड़ी शहर में रहने वाली पर प्रांतीय परिवार की 14 वर्षीय नाबालिग 13 मई के रोज घर से गायब हुई थी। 2 महीने बाद अपहरण की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी। शिकायत पर पाड़ी पुलिस ने सगीरा चंडीगढ़ में होने का मोबाइल लोकेशन मिलते एक टीम को रवाना किया गया था, जहां नाबालिग मिलते उसका अपहरण करने वाले अजय वीरेंद्र रामदेव उम्र वर्ष 21 साल का नाम बाहर आते अजय को गिरफ्तार कर पाड़ी पुलिस पाड़ी थाने में ले आई थी।
जांच में नाबालिग के अपहरण के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया होने का बाहर आते पुलिस ने आरोपी के सामने दुष्कर्म के साथ पोस्को की धारा अंतर्गत गुना दर्ज कर CPI ने आगे की जांच शुरू की है और नाबालिग का कब्जा उसके अभिभावकों को सौंपा गया है। पारडी तहसील के उद्वाड़ा गांव में 2 साल पहले 2 एकड़ जमीन खरीदने के लिए जरूरी NOC निकालने के लिए 45,000 की रिश्वत लेने वाले डेप्यूटी सरपंच को अपने पद से किया गया निलंबित। पारडी तहसील के उद्वाड़ा गांव में 2 साल पहले 2 एकड़ जमीन खरीदने के लिए उद्वाड़ा पंचायत के ठहराव की जरूरत थी। इसके लिए कोलक गांव के धीरू आहिर का संपर्क होते उन्होंने ठहराव के बदले में डेप्यूटी सरपंच प्रज्ञेश उर्फ पप्पू बड़वंत भाई पटेल और तलाटी विमल टंडेल के कहने पर 45,000 की रिश्वत की मांग की थी। पर रिश्वत की शिकायत नवसारी ACB में होते उद्वाड़ा गांव मार्ग पर से सागरित धीरू आहिर को 45,000 की रिश्वत लेते पकड़ लिया गया था। इस केस में ACB ने डेप्यूटी सरपंच प्रज्ञेश पटेल और तलाटी विमल टंडेल के खिलाफ भी गुनाह दाखिल किया था। ACB ने इस केस में रिश्वत में शामिल डेप्यूटी सरपंच को भी गिरफ्तार किया था। पारडी के उद्वाड़ा ग्राम पंचायत के उपसरपंच प्रज्ञेश बड़वंत भाई पटेल को 2 साल पहले ACB द्वारा हिरासत में लिया गया था। उसी के अनुसंधान जिला विकास अधिकारी मनीष गुरवानी ने गुजरात पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 59(1) अंतर्गत कारण दर्शक नोटिस देकर 2 अगस्त के रोज उपसरपंच के होद्दे पर से निलंबित किया गया होने का बलसाड़ नायब जिला विकास अधिकारी द्वारा बताया गया है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों में। 11 महीने पहले बलसाड़ के डॉक्टर का अपहरण करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पहाड़ी के परिया गांव में कार की चपेट में आए 6 साल के बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। दादानगर हवेली में सही यात्रा अंतर्गत आयोजित हरित दिवस कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा पौधों का किया गया रोपण। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।